हाय, सो दिस वीडियो इज ऑन द प्रिलिम बेस्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे नवंबर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं लास्ट मंथ के, उसको मैंने कंपाइल करके इस डॉक्यूमेंट में फ्रेम कर दिया है। तो पहला टॉपिक मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है क्लास्को समिट। क्लास्को समिट में जो पाँच पॉइंट्स जो बाय आवर पीएम मोदी के द्वारा बोला गया था, वो फाइव पॉइंट्स यहाँ पे मैंने एकदम शॉर्ट में लिख दिया है। और उसके बाद फिर जो ग्लासगो समिट हुआ स्कॉटलैंड में, वहाँ पे और भी चीज़ें जो इनिशिएटिव ली गई है, जैसे कोल मिथेन इन सबको रिडक्शन की बात हो रही है। तो हमें पता होना चाहिए कोल मिथेन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी का क्या है, 450 गीगावाट का प्रॉमिस किया गया है बाई 2030। देन सिक्स्थ IPCC रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग। देन इनिशिएटिव जो लिया गया है क्लाइमेट क्राइसिस आगे जो इनिशिएटिव लिया गया है वो क्या क्या है। तो एक हो गया आपका वन सन वन ग्रिड एंड वन वर्ल्ड, ये वाला इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है। देन CDRI इंपॉर्टेंट है जो कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। ये जो CDRI है, ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलके इन्होंने लॉन्च किया गया IRIS जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रेजिलियंट आइलैंड स्टेट, ये लॉन्च किया गया है। तो ये भी ये सारी चीज़ जो है इनिशिएटिव लिए गए हैं अगेंस्ट द क्लाइमेट क्राइसिस। उसके बाद ISA हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन पीकिंग ईयर किसको बोलेंगे, पीकिंग ईयर 2070 को रखेंगे क्योंकि यहाँ पे नेट जीरो की बात की गई है। देन COP 27, ये COP 26 के बारे में बताया, COP 26 हुआ था अभी ग्लासगो स्कॉटलैंड में, अब COP 27 जो है वो इजिप्ट में होगा, COP 28 UAE में होगा। देन अबाउट G20 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी प्रेसिडेंसी जो है इंडिया हैंडल करेगी कब से, December 2022 से, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अभी प्रेजेंट में कौन है, अभी प्रेजेंट में इटली है, और इससे प्रीवियस क्या था, इससे प्रीवियस था UAE। तो ये अभी ट्राइकोटा ये हुआ था, मीटिंग हुआ था, तो उसमें G20 को लेके, इसलिए G20 मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है ना। उसके बाद दिल्ली एयर पॉल्यूशन, डेयरली पॉल्यूशन अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसमें दो बॉडीज़ इंपॉर्टेंट है, एक है सफ़र और एक है AQI, ये दोनों बॉडीज़ के बारे में जानना। देन डेंगी भी काफ़ी फैला हुआ था। देन यमुना पॉल्यूशन में BOD इज़ इम्पॉर्टेंट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर ये ज़्यादा होता है तो दैट मीन्स कि जो वाटर की क्वालिटी है वो ख़राब है, राइट। एंड उसके बाद ये अमोनिया के बारे में भी थोड़ा यू शुड नो, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इसका NH3 जो है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है यमुना में, दैट्स वाई पॉल्यूट हो रहा है। उसके बाद MG नरेगा, ये अंडर द ये आता है अंडर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में। और MG नरेगा का क्या है, 100 डेज का होता है ये, उसमें किसको, जो एल्डेस्ट मेंबर होता है हाउस होल्ड का उसके लिए होता है, और ये पर्टिकुलरली अनस्किल्ड वर्क के लिए होता है। इसमें ग्राम सभा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि आइडेंटिफाई करना और एलोकेट करना उनका काम है वर्क का, सो ग्राम सभा का इंपॉर्टेंट रोल आ गया। देन PM पोषण, क्योंकि न्यूट्रिशन डेफिशिएट है इंडिया काफ़ी ज़्यादा, और न्यूट्रिशन डेफिशिएट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था कि जो माल न्यूट्रिशन है वो माल न्यूट्रिशन स्टंटिंग वेस्टिंग ये सब काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए PM पोषण देखना भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद पंजाब ने एक अभी इनिशिएटिव लिया था ब्यास डॉल्फिन मित्रास का, क्योंकि पंजाब में क्या है, इंदस रिवर डॉल्फिन मिलती है और वो पंजाब का स्टेट, पंजाब का एक्वेटिक एनिमल भी है, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया ये। और इसके बाद जो गंगा रिवर डॉल्फिन का भी रेस्क्यू मिशन चल रहा है अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री, तो ये दोनों हम डॉल्फिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और ये दोनों ही डॉल्फिन जो है IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड में आता है, राइट। उसके बाद नेवी वॉरशिप डिलीवरी का देखें तो अभी नेवी वॉरशिप डिलीवरी में यहाँ पे रहेगा इम्पॉर्टेंट Project 15B, ठीक है, Project 15B इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इसमें क्या है, ये चार जगह इम्पॉर्टेंट प्लेस है, इम्फाल, सूरत, विशाखापट्टनम और मुगाव। उसके बाद 10th हब का रहेगा PCA फ्रेमवर्क, ये RBI ने फिर से रिवाइज किया है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। और ये किस लिए होगा, ये होगा कि बैंक को फंक्शनिंग बनाने के लिए, बैड लोन से गुड लोन करने के लिए एक ऑलरेडी पहले से सेट कर देना डेटा। उसके बाद NCPCR इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि NCERT को डायरेक्टिव्स मिले थे अभी थ्रू अबाउट ऑन द ट्रांस
जेंडर इश्यूज, इसलिए NCPCR इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद NHRC इम्पॉर्टेंट रहेगा, ह्यूमन राइट कमीशन, ये क्योंकि इन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन दिया। एंड उसके बाद अभी ये तो नवंबर मंथ का है, दिसंबर में भी हमने देखा कि कैसे अभी 10 दिसंबर को NHRC जिसे ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया गया था, इसलिए NHRC इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन 12th पॉइंट इज आदि शंकराचार्य जी। आदि शंकराचार्य जी इसलिए इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे मोदी जी ने केदारनाथ पे इन अभी रिवील किया है 12 फीट स्टैचू, इसलिए। और ये अबाउट आदि शंकराचार्य जी के बारे में जानना, उनके वर्क को जानना, लाइक ये किससे रिलेट करते थे, अद्वैता फिलोसफी से, और भी बहुत कुछ है जो आपको खुद ही डिवेल करना। देन चुंबी वैली, चुंबी वैली इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे चाइना का प्रेजेंस देखा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री। चुंबी वैली इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे होता है, ये कन्वर्जेंस ऑफ दी भूटान एंड सिक्किम पे पाया जाता है। उसके बाद ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ना सिलीगोर कॉरिडोर का ना काफ़ी बहुत पास में सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसीलिए। उसके बाद आर्टिकल 32 इन जुडिशियल रिव्यू इज इन द पॉलिटी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि अभी पेगासस को लेके और कुछ और जो जजमेंट थे उसको लेके अभी कोर्ट पे भी थोड़ा ये हो रहा है कि उनको इस वे में डायरेक्शन और अपने जजमेंट लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इज पॉइंट 15, श्रीनगर। श्रीनगर को अभी डिक्लेयर किया गया एज अ मेजर एयरपोर्ट, कि और ये मेजर एयरपोर्ट कौन डिक्लेयर करता है, एयरपोर्ट इकोनॉमी रेगुलेटरी अथॉरिटी 2008, ये अथॉरिटी जो है ये मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर करती है, तो श्रीनगर को डिक्लेयर किया गया। 16th इज दार्जिलिंग टॉय ट्रेन। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन जो है उसको 1999 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था बाई यूनेस्को, बट अभी क्या हो रहा है, अभी इसके लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवाया गया है, BIPO, ठीक है, सॉरी WIPO। तो WIPO के बारे में पढ़ लेना और थोड़ा अ लिटिल बिट दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का हिस्ट्री देख लेना। उसके बाद अब्दुल जबर जी को पद्मश्री से नवाजा गया है, और ये कौन है, ये है भोपाल गैस ट्रेजेडी के एक्टिविस्ट। इन्होंने काफ़ी जो भोपाल ट्रेजेडी में जो लोगों को लॉस हुआ था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, उनके लिए इन्होंने काम किया था। उसके बाद मुल्ला पेरियर डैम, ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा है किसके बीच, तमिलनाडु और केरला स्टेट के बीच। तो ये है केरला में, बट इसको ऑपरेट करता है कौन, तमिलनाडु। तो यहाँ पे टसल चल रहा है कि कितना पानी रिलीज करना है, बेबी डैम्स बनाने हैं, सब चीज़ को लेके। तो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपका पेरियार रिवर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ऑकस इज जस्ट लाइक द क्वाड, जैसे क्वाड था अबाउट जो 4 कंट्री को लेके बना था, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA एंड इंडिया, इंडो पैसिफिक में। वैसे ही ऑकस है, इंडो पैसिफिक के लिए बना है सिक्योरिटी मिलिट्री बेसिस पे। उसके बाद इसमें क्या, ऑस्ट्रेलिया, UK, US। नाउ UAPA आते हैं। UAPA में UAPA क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा UAPA के केसेस लगाए गए हैं, तो UAPA और इससे रिलेटेड ये एक केस भी है, तो UAPA जानना इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद स्कीम्स रिलेटेड टू पावर, क्योंकि पावर का काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हुआ था, क्योंकि सडनली क्या हुआ था, जब रिकवरी होने लग गई तो पावर काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज होने लग गया था, दैट्स व्हाई पावर का शॉर्टेज होने लग गया। तो इससे रिलेटेड स्कीम्स देखना, दैट इज PM सहेज, बिजली हर घर योजना, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, ये सारे हमें क्या देखना है, ये सारे स्कीम्स जो पावर से रिलेटेड, क्योंकि स्पेसिफिकली एडिटोरियल में आया है इसलिए मैंने लिख दिया। उसके बाद श्रीनगर एज अ क्रिएटिव सिटी, श्रीनगर एज अ क्रिएटिव सिटी इसको यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है, श्रीनगर को एज अ क्रिएटिव सिटी, और इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, फोक आर्ट कैटेगरी में। देन मेटावर्स भी काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि फेसबुक ने अपना नाम ही चेंज कर दिया। उसके बाद मेटावर्स है क्या, ये टेक्नोलॉजी जो है वो कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटीज का। तो उसके बाद ये टेक में और भी चीज़ें, टेक में जैसे आ जाएगा आपका AI आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, 5G, ये सारे टेक के जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी न्यूज़ में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद ये तो 1 to 10 नवंबर का मैंने बताया है, अबाउट जो 11 to 20 नवंबर का है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आई विल शेयर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।